आज मैं बनाने जा रही हूँ प्योर वेज पनीर और छोटे आलू की ग्रेवी। इसके लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है। पनीर को मैं फ्राई कर लेती हूँ नमक और हल्दी पाउडर के साथ। सावन का महीना है, ज़्यादातर लोग वेज खाते हैं, तो इस रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बॉईल किया हुआ छोटा आलू ले लिया है और छोटे आलू को भी नमक हल्दी पाउडर के साथ मैं फ्राई कर लेती हूँ। आलू हमारा फ्राई हो चुके हैं, मैंने निकाल लेती हूँ। अभी यहाँ पे हमें एक मसाला बनाना है। इसके लिए मैंने टमाटर, अदरक, काजू, किशमिश और पानी मिला के एक पेस्ट बना लिया है। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और ऐड करके मैंने साबुत गरम मसाला, जीरा और एक तेज पत्ता ऐड किया है। उसके साथ साथ मैंने जो प्योरी बना के रखा था मसाला का, वो डाल दिया है। और उसके साथ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक मिला के मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुके हैं। अभी जो मैंने आलू को फ्राई करके रखा था वो डाल दिया है। आलू को भी मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाले के साथ फ्राई कर लेती हूँ ताकि आलू के अंदर भी मसाला अच्छे से चले जाए। और अभी मैं 2 कटोरी पानी ऐड करी हूँ। आप पानी अपने पसंद के हिसाब से ऐड कीजिए, कम या ज़्यादा, आपको जैसा ग्रेवी रखना है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा चीनी ऐड करी हूँ क्योंकि ये वेज सब्जी में थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है चीनी, आपको अगर पसंद आते तो ही डालिए। उसके बाद मैंने पनीर ऐड किया है और पनीर डाल के मैं थोड़ा सा ढक के 2 हरी मिर्च डाल दिया है। देखिए हमारा ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैं ऊपर से हरा धनिया डाल के गर्मा गर्म परोसती हूँ। आप लोग इसे चावल या रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए।